हेलो एवरी वन वन साधजनक दिनेश्वरी स्वागत है आप सभी का आप लोग बहुत हुई विनती बहुत हुआ तकरार बहुत हुई विनती बहुत हुआ तकरार उठो मेरे लाल चलो फिर से एक बार भरो एक ऊंची ओंकार आने वाले आखिरी पंद्रह सोलह दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो हमारी टीम के साथ यस हाँ रोज साढ़े सात बजे मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए रिवीजन सीरीज क्या कराएंगे सर इस सीरीज में भाई तेरा जो पूरा सिलेबस है उसको एकदम मस्त तरीके से कम टाइम में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से हम करने वाले हैं तो रह गए मेरे साथियों खुद तो आओ अपने दोस्तों को भी लाओ भाई अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दे इतनी अच्छी चीज वो भी लाइव इंट्रेक्शन के साथ तुझे कहीं नहीं मिलेगा चलो शुरू करते हैं शुरू करते हैं आ गए मेरे दोस्त यस आ गए हैं मेरे दोस्त आज चौदह फरवरी है ओके तो आज बहुत सारे दिन भी मनाए जाते हैं तो हमारे भारत के अंदर जो एक बहुत दुखद घटना हुई थी पुलवामा जो आतंकी घटना हुई थी जिसके अंदर हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे तो आ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एकदम जबरदस्त तरीके से भाई देख तेरे एग्जाम के पहले तेरी तैयारी होगी तेरी सेल्फ स्टडी से तेरे एग्जाम के पहले तेरी तैयारी होगी सेल्फ स्टडी से और तू अगर मेरे साथ एक घंटे बिता रहा है तो इसको सेल्फ स्टडी मान मैं बताऊंगा तू सुनेगा देखेगा और सारी चीजें रिकॉल होंगी यही चीजें जो मैं एक डेढ़ घंटे में बताऊंगा तुझे रिवाइज करने के लिए तीन चार घंटे लग सकते हैं बेटा तो क्यों ना उसको कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से करने एक बहुत बड़ी खासियत हर लेक्चर में मेरे हर एक लेक्चर में मैं तुमको एक क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना होगा एक पीडीएफ दूंगा लेक्चर के बाद ठीक है करोगे तो यस आपका ये पूरा टाइम यूटिलाइज होगा जरा भी टेंशन मत लेना जिनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, वो अपने प्रैक्टिकल पे भी फोकस करो आखिरी दिन है बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है दोस्तों को बुला लो अपने एकदम दोस्तों को बुला लो सो so, अब होगा यलगार महा महाजन सीरीज के साथ बिल्कुल लाइव लेक्चर है इंटरक्शन हो रहा है आपके क्वेश्चन पर है जो भी आपको डाउट होंगे आप पूछना सब बताऊंगा तो अभी आज का जो पहला चैप्टर है है वो मैथमेटिकल लॉजिक कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एकदम टफ चैप्टर से चालू करो बेटा टफ चैप्टर भी आएगा अरे क्या एक चैप्टर करके कबड्डी कबड्डी करके मैं लाइन चुके भागने वाला नहीं हूं जब तक चुन चुन के सारे अपोजिशन वालों को गिरा नहीं देंगे जब तक पंद्रह चैप्टर पूरा कवर नहीं करेंगे छोड़ूंगा नहीं तू तो टेंशन मत ले चुन चुन करके सारे चैप्टर करेंगे सो so यस yes, अब 2022 के बच्चों के लिए जो होने वाली एग्जाम है यस दो हजार जैसे कि आपको मालूम है चार मार्चें चालू हो रही तो एक एक करके इस रिवीजन सीरीज में डेली साढ़े सात बजे आऊंगा और लगभग नौ बजे तक डेढ़ घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जबरदस्त जब जब तरीके से आपको सारी चीजें बताऊं अब ये चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ा है चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ा है अरे भूल गए क्या भूल गए क्या कैसे भूलेगा अरे शुरू ही इस चैप्टर से किया था ओके okay? और बहुत चैप्टर है सब आपको आता है लेकिन बोर्ड एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है भूलने का नहीं भूलने का नहीं भूलने का नहीं एक बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट भले आपने उसको पहले कितने भी बार भी किया आपको आता है नहीं तो क्या होता है छोटी से छोटी बोलते हैं ना चीटी भी हाथी को मजा चखा देती है तो हमारे मार्क्स यहां भी कर सकते एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए चलो शुरुआत करते हैं ओके तो सबसे पहले बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा कोशिश करूंगा छोटे चैप्टर जल्दी खत्म हो बड़े चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देके खत्म करूं सारा सिखाऊं और सच्ची बोलता हूं गारंटी देता हूं जो मेरे लेक्चर पूरे अटेंड करेगा उनके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे तो आज का जो पहला लेक्चर है वो है मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के ऊपर अब यहां पर सबसे पहले शुरुआत में हर चैप्टर में मैं बार बार यही बताऊंगा वो चैप्टर कितना वेटेज रखता है उसमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है तो बच्चों इस चैप्टर का वेटेज है एट मार्क ये चैप्टर का वेटेज है एट मार्क यहां पर चार मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और दो मार्क के दो क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से याद रखो ये पैटर्न है इस तरीके से आपको याद रखना है एकदम ध्यान से याद रखना देखते रहना ओके लिखते भी रहना नोटबुक पेन ले रखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब भी खत्म होगा देखो एक घंटे के अंदर और एकदम मजेदार तरीके से अरे कॉमेडी भी होगी एंटरटेनमेंट भी होगा बोर जरा भी नहीं लगेगा इस चैप्टर के अंदर बेटा एक्सरसाइज वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री और वन पॉइंट फोर है और एक एक्सरसाइज है लाल कलर से कहा लिखते हो सर लाल पसंद है क्या ना मुन्ना ना लाल कलर रेड इज सिंबल ऑफ डेंजर यहां पर रेड इज सिंबल ऑफ डिलीटेड टॉपिक्स तो बेटे एक्सरसाइज 1.5 स्विचिंग सर्किट डिलीटेड और सर इधर भी कुछ लाल दिख रहा है ड्यूएलिटी ड्यूएलिटी टू पाइंट ड्यूअल ये भी डिलीटेड है ड्यूएलिटी ड्यूएल और स्विचिंग सर्किट डिलीटेड है मेरे वो बच्चे जो मुझसे नून पर या यूट्यूब पर बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं उनको तो सब पता होगा लेकिन कुछ बच्चे हमारे अभी आए हैं कुछ बच्चे अभी आए हैं इसी महीने चालू किया बिल्कुल डाना ने सब बताऊंगा मैं तेरे को यस yes, तो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 चार एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर ध्यान रख जिसमें से पांचवा एक्सरसाइज तू नहीं करेगा बेटा स्विचिंग सर्किट तो ये बहुत अच्छी बात है टेंशन मतलब और जो थर्ड एक्सरसाइज है इसमें ड्यूअल करके एक टॉपिक है वो भी आप नहीं करोगे ड्यूअल पहला एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या है पहला में स्टेटमेंट पहचानना होता है और वो जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी होती है कि बताओ ये जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है ट्रुथ वैल्यू दो ही होती है या तो ट्रू या तो फॉल्स ट्रू को टी लिखते हैं फॉल्स को एफ लिखते हैं तो बस यही पहचानना है कि स्टेटमेंट है कि नहीं है अगर है तो ट्रूथ वैल्यू क्या है समझ में आ रहा है तो अब यहां पर एक्सरसाइज में और भी लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है ये वन पॉइंट वन में सारे क्वेश्चन है में स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकल इक्वेलेंस टोटोलॉजी कंट्रोडिक्शन एंड कंटीन्यूंस यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है और उसके बाद ये सारी चीजें हम वन पॉइंट टू में करते हैं

कॉन्ट्रो पॉजिटिव ये सब आ गए yes. जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों में यार शेयर करो अपने दोस्तों में आज रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए यस इनवर्स पॉजिटिव का क्वेश्चन करना मैं भी सिखाऊंगा रिवाइज करना फिक्स आएगा बोर्ड में फिक्स आएगा भाई इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं पेपर चेक करते बता रहे हैं, मुकेश सर और मेरी बातों को गौर फरमाने का ओके okay. जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल से हम पढ़ा रहे हैं इस बात को ध्यान में रखो समझ में आ गया तो यस एक ये आएगा दूसरा एक निगेशन निकालने आएगा बेटा निगेशन निगेशन समझ में आ रहा है ये 1.2 के अंदर और 1.4 के अंदर हम इसका कंसेप्ट देखेंगे एक निगेशन निकालने आएगा और एक ये आएगा तीसरा एक ट्रूथ टेबल बनाने आएगा सर इंपॉर्टेंट दो अरे वही तो दे रहा हूं भाई अब मैं जो बोल रहा हूं नहीं सर एग्जैक्ट क्वेश्चन दो बोर्ड का पेपर दो का दे दो ए, चीटिंग चेटिंग नहीं करने का ऐसा नहीं ईमानदारी से हक से लड़ो हक से पढ़ो हक से एग्जाम दो भीख नहीं मांगता तुम्हारा हम देगा एग्जाम हम देगा एग्जाम हमको हम हक से देगा हम लिखेगा आंसर हमको आएगा कर चीटिंग नहीं करना मैं टाइप बता रहा हूं ना तू खाली इतना सीख लेना कन्वर्स इनवर्स कैसे निकालते कंट्रापोजिटिव बस तरीका तो ही रहता है क्वेश्चन में पी क्यू है घुमा के दिया तो घुमा के करने का तरीका सीख ले बस समझ में आ रहा है निगेशन निकालने का आएगा और एक ट्रूट टेबल आएगा टेबल बनाने में तुझे आता है साल भर वही तो किया जब देखो तो बुक लेके लॉजिक ही चालू करता था चलो, तेरा भाई पड़ेगा, ओके? तेरा भाई चालू करेगा। कौन सा नागोबा पढ़ना शुरू करता था तू लॉजिक से ही करता था कितनी बार किया तू डर मत आज का लेक्चर बहुत सिंपल है खाली रिवाइज करना है ठीक है तो यहां पर एक निगेशन एक ट्रूथ टेबल और एक कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव ऐसे तीन क्वेश्चन ऐसे तीन क्वेश्चन पकड़ के रख समझ में आया समझ में आ रहा है बच्चे कॉमर्स का भी चालू करेंगे जो बोल रहे हैं यहाँ पर कॉमर्स का भी चालू करेंगे मेरे सर लोग पढ़ा रहे हैं सब कॉमर्स के तुम लोग को पता ही नहीं चलता है कौन कहा पढ़ा रहा है टेंशन मैं उसके लिए भी अनाउंस करता हूँ चल बेटा शुरू करते आठ मार्क का चैप्टर मेरे दोस्त अस्सी मार्क में से आठ मार्क दस परसेंट का घटेज इसका हल्के में ना लो हा हल्के में मत लो लॉजिक समझ के क्या तुम फ्लावर समझे क्या फायर है ये फायर एकदम टेंशन मतलब बेटा दस परसेंट ये मार्क्स देगा अस्सी में से आठ स्टेटमेंट तूने तो पढ़ा ही था बेटा स्टेटमेंट याद आ रहा है स्टेटमेंट स्टेटमेंट हाँ सर मैं कभी कुछ कर दू ना तो अपने स्टेटमेंट से मैं बदलता नहीं हूं अच्छा वो सब साइड में रख ये मैथमेटिकल लॉजिक का स्टेटमेंट है ऐसा नहीं चलेगा स्टेटमेंट मतलब क्या होता है इसका कुछ तो ट्रूथ वैल्यू आना चाहिए या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए गलत हुआ तो भी चलेगा ऐसा दोनों साइमल्टियसली नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी ऐसा नहीं एक तो एक होना चाहिए समझा मतलब सामने से कोई आ रहा है ना तो कन्फर्म और कन्फर्म तो लड़की है लेकिन कभी कभी कोई आता है तो पता ही नहीं चलता है। भाई लड़का है कि लड़की है समझ में नहीं आ रहा है ऐसे डाउट होते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर देख के बाल तो छोटे हैं लेकिन उसकी चाल लड़की तो वैसा नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट क्या है बेटा ध्यान से सुन स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी एक डिक्लेर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए जो डिक्लेयर कर रहा हो कि वो है क्या समझ में आ रहा है डिक्लेयर कर रहा है वो ट्रू है कि false है. तो उसे स्टेटमेंट बोलते हैं अब एक काम करो कभी कभी ये जानने का ना कि क्या रहेगा तो स्टेटमेंट नहीं है जैसे कि कोई अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस है इनकम्प्लीट सेंटेंस है स्टेटमेंट नहीं है भाई मेरे इंपरेटिव है इंपरेटिव बोले तो सर कमांड इंग्लिश ग्रामर नहीं देख रहा है ना मैं सिखा रहा हूं रोज सुबह इंपरेटिव मतलब कमांड कोई रिक्वेस्ट करा प्लीज गिव मी योर रेड फ्लावर आज के दिन तो मत मांग आज के दिन मांग के मत ले आज वैलेंटाइन डे मतलब तो रिक्वेस्ट करा प्लीज दे देना किसी को ऑर्डर कम कम हियर हियर सो ये सब इंपरेटिव है कमांड है इंटरोगेटिव क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन सो ये सब जो है ना ये छोड़ने का ये एक्सेप्शन है ये सब सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता

स्टेटमेंट वो होगा जिसकी ट्रुथ वैल्यू टी या तो एफ आना चाहिए और एक होता है ओपन सेंटेंस ओपन है मतलब उसके अंदर कोई पता नहीं होता किसके लिए बोला ही इज वेरी गुड बैट्समैन बैट्समैन ही ही इज वेरी गुड अब कौन है सचिन तेंदुलकर को बोल रहा है क्या तो ट्रू है नहीं तो दूसरे किसको बोलेगा गली वाले को तो कैसा चलेगा तो पॉल्स हो तो जाए तो ही आ गया कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो वो ओपन सेंटेंस होता है बस खत्म ज्यादा नहीं पकाऊंगा आगे जाऊंगा एग्जाम्पल लेते हैं भाई मेरे एग्जाम्पल लेते है। जैसे देख मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सच है ना भाई तू बोलेगा दिल्ली अबे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है <laughs> समझ रहा है तो महाराष्ट्र का समझो जो भी दिया या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा वीक्स है ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू टी है ऐसे लिखेगा समझ में आ रहा है यस yes. अभी देगा ना चल statement नहीं है लिखने का Given sentences, sentences not a statement. फिर बोलेगा बता मतलब वो ही नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू तो, की जो स्टेटमेंट नहीं होगा उसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं लिखने का जैसे ये स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू समझ गया समझ गया आगे प्लीज ओपन द अबे पहले ही पता चल गया। इतना बोलेगा नहीं है। फिर hmm, हा टू, रही, टू रही तो ये हो जाए, 2 प्लस थ्रीवल टू फाइव बेटा अगर एक्स की वैल्यू टू होगी अगर एक्स की वैल्यू टू होगी तब ये ट्रू हो जाएगा ओ अरे -ओ, सर सेम आया ट्रू है ट्रू अच्छा लेकिन एक्स टू बोला है क्या नहीं ना अगर एक्स की वैल्यू थ्री रहा 3 3 5, तो थ्री प्लस थ्री फाइव हो रहा है मतलब कि के ऊपर डिपेंड है सो so, ऐसा जिसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती वैसे को हम ओपन सेंटेंस बोलते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होता तो यहां पर आपका पहला एक्सरसाइज हो गया भाई टेंशन लेने का नहीं पहला एक्सरसाइज हो गया बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से एक सेकंड के लिए भी तो बोर नहीं होगा तेरा एक सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूं तू एकदम ध्यान से सुन इतना मजा आएगा इतना मजा आएगा कि तूने सोचा नहीं होगा और तेरा रिवीजन भी हो जाएगा रे फिर भी तू अकेले सीख रहा है ना मजा तो सबके साथ आता है है तो अपने दोस्तों को बुला ना किधर अरे कॉलेज के ग्रुप में लिंक शेयर कर जल्दी बोलो लोगो अरे तुम उधर बैठे इधर मजा आ रहा है यस वो उधर ऐसा बैठा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा कुछ होगा कि अरे छोड़ो सब बहुत हुई विनती बहुत तब हुआ तकरा अब हम झुकेंगे नहीं अब हम आगे बढ़ेंगे तुमको एग्जाम लेना है लो हम दिखाते करके ठीक है चल अपने दोस्त को बुला ले ओके यस मेरे दोस्त, यस मेरे मेरे दोस्त लाल देख होते लेके मतलब जो जोड़ने वाला होता है जो दो लोगों को जोड़ता है जैसे तू है और वो है तू है और वो है और एक बीच में एक आपका दोस्त है जो आपका मैसेज उस तक पहुंचाता है आप दोनों को जोड़ के रखने का काम आपके दोस्त ने किया है समझ में आ रहा है तो वो ही कनेक्टिव है बस उसी को याद रख ये तू है आहा, आहा, और ये वो है आहा, और एक बंदा है एक बंदा है जो तुम दोनों का दोस्त है खाली फ्रेंड वी आर ओनली फ्रेंड्स ओके तो आपको कुछ मैसेज देना यहां से जरिए पहुंचा दे उधर से मैसेज तो ये क्या हुआ ये कनेक्टिव हो गया तो वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भाई मेरे और ताई माजी इकड़े तुम्हारा ने दोन स्टेटमेंट अस्टिल आपको हमेशा दो दो स्टेटमेंट होगा और बीच में कोई तो कनेक्टर होगा कौन होगा कनेक्टर तो कनेक्टर की बात करते हैं स्टेटमेंट हमेशा स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं पी क्यू स्टेटमेंट को नाम देंगे सर हम लोग तो हमेशा बच्चा होता है उसको नाम देते अबे बच्चा घर होता है तो घर को भी तो नाम देते जैसे शाहरुख खान का मन्नत है ना अमिताभ बच्चन जलसा तो वैसा तू नाम दे सकता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट जैसे मैं लिखता हूं कि आ, ट्राइंगल साइड ट्राइंगल हैज थ्री साइड चलो एक ये स्टेटमेंट है एक ये स्टेटमेंट इसको मैं क्या करता हूं इसको खुद से नाम देता हूं लेट पी माना कि ये पी है ट्राइंगल को तीन साइड होते माना ट्राइंगल का ये जो स्टेटमेंट इसका नाम रख दिया पी फिर तू बोलेगा अच्छा सर क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड्स अरे वाह बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो इतना <laughs> तो ठीक है इसको नाम मैंने दे दिया क्यू यहाँ लेट मतलब माना हिंदी में मराठी मन तो मानू ओके okay, मानू पी क्यू आता सिंबॉलिक फॉर्म मध्य सिंबॉलिक फॉर्म में करना होता है सो आई विल राइट इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज एकदम पटकन एकदम पूरा चैप्टर होगा रिवाइज क्या होगा पी क्यू और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा बेटा कि ट्राइंगल हैज द थ्री साइड्स एंड हैज फोर साइड शॉर्ट में कर रहा हूं इसलिए तो क्या होगा बीच में ये कनेक्टर है एंड वही आपका दोस्त जो उससे मिलाता है देखो इसको और इसको मिलाने वाला बीच में कनेक्टर एंड है तो हम क्या करेंगे ट्राइंगल है थ्री साइड मतलब पी क्वाड्रिलेटरल फोर साइड मतलब Q P और Q बीच में एंड एंड का ऐसा सिंबल ये हो गया सर एंड तो लिखो लिखा ना अरे एंड तो लिखो अरे लिखा ना सर तुमने तो ऐसा ऐसा कर दिया ए लिख दिया हाँ तो उसका सिंबल होता है सिंबल होता है समझा क्या अगर देख बेटा अगर इधर और होता एंड के बदले और होता तो मैं ऐसे लिखता पी क्यू और मतलब ये सिंबल है और का अच्छा ऐसा निशान रहता है क्या अभी तुम लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना तो रहता ना गो स्लो नो पार्किंग सिंबल वैसे सिंबल और बताओ सर सिंबल यस तुमने पूरा पढ़ा है तुमको सब आता है आओ मैं तुम्हें सिंबल बताता हूं यस इधर इधर सिंबल सिंबल yes, एंड का सिंबल क्या होता है ए को एक ही डंडी निकालने का एंड मतलब ऐसा और मतलब इसको घुमा के वी लिखने का इफ देन मतलब ऐसा एरो होता है ऐसा आ रहा है इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों साइड से एरो होता है नॉट मतलब निगेशन नॉट मनजे निगेशन है ना कोई जाएगा ना छोड़ के अभी दो हजार दो सौ इकसठ लोग देख रहे हैं. वी इफ देन मतलब एरो इफ एंड ओनली मतलब डबल एरो नॉट मतलब निगेशन नागु 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 ऐसा निगेशन करने का समझा अभी इसके नाम कभी कभी रहते कभी कभी ना एंड को कुछ और ही नाम आता है एंड को बोल देगा कंज कंजक्शन तो और दवा अरे कंजक्शन कभी आई क्लिक नहीं है तो गड़बड़ होता है बाबा इसलिए कंजक्शन कंजक्शन मतलब समझा कंजक्शन एंड को कंजक्शन बोलते हैं और का दूसरा नाम है डिसजंक्शन

अरे तुम चाहे पाक्या रहते हो प्रकाश का लेटर आला बगा कॉलेज मधु अरे कौन ला तो कौन प्रकाश नहीं हाँ मैं पाकियाला ओख तो गड़बड़ हो जाता है तो तुम्हारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए तो कभी कभी क्या होता है जो एंड है ना बेटा एंड कंजक्शन होता है याद रखो कभी कंजक्शन बोला तो समझ जाना एंड और अपन कन्फ्यूज होते कंजक्शन डिजंक्शन डिजक्शन मतलब एंड था क्या कंजक्शन मतलब एंड ऐसा कन्फ्यूजन होता है ओके okay, तो कंजक्शन एंड डिजंक्शन और याद रखने का या या तो implication. Okay. If and only if, conditional या तो तो समझ में आ गया बेटा? तो ये ये इसको इसको याद रखने का? इसको याद रखने रखने का, का, अभी ये सब अभी सब बता रहा जितने भी logical होते हैं, हर एक का टेबल होता है ना भाई, और हर एक का ट्रूट टेबल आपने पढ़ा था क्या तुम्हें याद है क्या भूल गए अरे भूल गई क्या ऐसा भूलने का नहीं रे बेटा भूलने का नहीं यस एकदम भूलने का नहीं बेटा देख अभी एंड टेबल इफ एंड ओनली सबका ट्रिक था का नहीं, ट्रिक तो बोला देन P और P Q का ट्रूथ टेबल बना तो अपन क्या करते ऐसे लाइन मारते देख आज के दिन लाइन मत मारो ओके, आज का दिन जो है चौदह फरवरी है ठीक है लाइन मत मारो अपन देखते कितने स्टेटमेंट है p एंड q सर तीन है अभी तीन है p दो बार है उसको एक ही काउंट करने का p को एक ही बार काउंट करने का सो so, p एक ही बार है p फिर एक q है अभी कितने स्टेटमेंट हो गए बेटा p एंड q मतलब कितने हो गए दो स्टेटमेंट तो हम हमेशा 2 रे टू n फॉर्मूला यूज करते कौन सा फॉर्मूला 2 रे टू n मतलब कितने स्टेटमेंट है 2 तो 2 रे टू n मतलब 2 यानी 4 तो हम लोग 4 ऑप्शन लेंगे चार देखो हां यहां पर अ दो बार टी दो बार एफ ऐसा लेने का ये ऐसा क्यों लिया सर चार ऑप्शन क्यों लिया क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है पी क्यू अच्छा बन रहे तीन रहेगा तो क्या करेगा तुम अरे बेटा पी क्यू आर ऐसा रहता तीन पी क्यू आर मतलब तीन है तो ये टू रेस टू एन में थ्री रखने का तो टू रेस टू थ्री एट अभी एक बार ऐसा बता रहा था और लड़का बोलता है सर गलत हो गए तो क्या गलत हुआ बोले सिक्स आएगा कैसे सिक्स आएगा सर टू थ्री जै सिक्स अरे मैं बोला वो मल्टीप्लाई कर रहा है क्या क्या टू डेरिवेटिव ले रहा है ये का तीन बार मल्टीप्लाई टू में ये आएगा तो कभी भी तीन स्टेटमेंट हुए पी क्यू आर तो एट ऑप्शन और सिर्फ पी क्यू है तो फोर ऑप्शन उसमें भी हाफ ऑफ करने का ठीक है उसमें भी हाफ ऑफ करने का दो बार T दो बार F अभी देख P हो गया Q क्या करेगा एक बार T एक बार F एक बार टी ये सब तुम लोग को आता है फिर क्या करेगा पी क्यू हो गया फिर ये ब्रैकेट करेगा पहले पी और क्यू ये किया फिर क्या करेगा इसके बाद ये पी के साथ इसका देन देन लेगा P then, ये पूरा ब्रैकेट लेकिन अपने को ये टेबल करने के लिए बेटा ये रूल तो मालूम होना चाहिए ना कि और का रूल क्या होता है कंजंक्शन ये डिसजंक्शन है और इसका रूल क्या होता है तो इसका रूल याद करने के लिए हमें ये चार्ट पढ़ना पड़ेगा और सब तुमको मालूम है ओके का लैग होता है का? सर हाँ चलो थोड़ा हो रहा था आ जाओ रे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ठीक है एकदम दोस्तों को बुलाया कि नहीं बुलाया तीन हजार की वॉचिंग होने दो तो, तीन हजार की वॉचिंग जो देख रहे लाइक करो पहले सेशन को यार पंद्रह सो लाइक है ढाई हजार लोग देख रहे चौल बहुत गलत है इधर आप चल देख बेटा एंड टेबल एंड टेबल रूल क्या है इधर हमेशा टी टी एफ एफ रहेगा हमेशा 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 रहेगा सेम पहले दो टी पहले दो ए, फिर दो फिर फिर ये हमेशा पी सर Q में सर क्या रहेगा सब तुम लोग को आता है अरे भूलने का नहीं सब तुम लोग को आता है एक टी, एक एफ, एक टी, एक एफ। ये हमारा रिविजन चालू है बेटा सब तुम लोग ने सीखा है साल में तो अभी रूल क्या है वो देखो अगर एंड है यानी ये ऐसा एंड है तो एंड में क्या होता है दोनों टी हुआ तो ही टी नहीं तो फॉल्स बोलता एंड एंड बोलता मतलब दोनों होना मांगता है टी तो ही टी नहीं तो फॉल्स वाह 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 चलो अभी और टेबल क्या बोलता है और और मतलब बोलता है अरे जाने दे रहे एक भी टी रहेगा ना चलेगा एक तो दे, दे एक प्लीज एक तो टी तो ये और में कैसा रहता है एक भी टी हुआ तो टी यस दोनों में देख एक टी 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 है ती है ती है इसमें एक भी टी नहीं है तो ये फॉल्स तो ऐसा याद रख अभी इफ देन में क्या होता है एक कंडीशन होती है इफ देन में कि पहला पी देन क्यू है अगर पहला टी पहला टी दूसरा f हुआ तो ही फॉल्स तो नहीं तो नहीं तो यस yes. पहला टी दूसरा f हुआ तो ही फॉल्स नहीं तो सब ट्रू तो देखने का किधर है ये देखो पहला टी दूसरा एफ तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू नहीं तो पूरा का पूरा ट्रू है समझ में आ रहा है यस yes. एकदम लाइव है बेटा कौन बोलता लाइव नहीं है चुप प्रभात लिख रहा है अरे मैं लाइव देख उधर संचित लिख रहा है दबा से लाइक शेयर कर दो महाकाल के आशीर्वाद से यस एकदम लाइव चालू है एकदम एक दादा इकड़े पक इकड़े पक ये देखो इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है सर इफ एंड ओनली इफ में दोनों सेम 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 ये टी और टी दोनों सेम सेम तो टी आएगा ये दोनों एफ एफ सेम 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 तो भी टी आएगा मतलब दोनों सेम है तो टी सेम नहीं है तो एफ तो भाई तुझे ये रूल याद रखना है इफ एंड ओनली इफ होगा तो दोनों सेम होंगे तो टी अलग होंगे तो एफ इफ देन होगा तो ये स्पेशल चीज है ये खाली याद रखने का पहला टी दूसरा एफ होगा तो ही एफ नहीं तो ट्रू ऐसे याद रखने का और एंड में क्या होता है दोनों टी होगा तो ही टी नहीं तो एफ और में क्या होता है एक भी टी रहा तो टी यस गॉट इट तो ये रूल याद रखने का यस क्या बोल रहा है बेटा अश्विन सेम टू ट्रू रू नहीं तो एरो के साइड वाला ओके ओके यस ठीक है चलो बोर नहीं करते सर माया बोल रहा है यस यस एकदम मजा आएगा तुम लोग अपने दोस्तों में शेयर करो तीन हजार तीन हजार घर का चिराग जलाना है मुझे तीन हजार घर का चिराग जलाना है अरे भूल गए क्या लाओ ना अपने दोस्तों को हाँ एक लड़का बोलता है सर इतना अच्छा लेक्चर मुझे मिल रहा है मेरे दोस्त को बता दिया वो भी देख के टॉप कर देगा मेरे आगे जाएगा ऐसा नहीं होता अरे तेरी मेहनत ही तुझे आगे लेके जाएगी ठीक है ऐसा मत कर बुला ले उसको तेरे दोस्त को बुला ले ओके तेरे को यार बहुत आशीर्वाद मिलेगा निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट निगेशन क्या होता है जैसे मैं बोला यू आर अ बॉय और मैंने बोला निगेशन कर तो यू आर नॉट अ बॉय हाँ सर एक पल में लड़के से लड़की बना दिया मेरे माँ बाप ने मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ी तब जाके मैं लड़का पैदा हुआ और आप यू आर नॉट अ बॉय करके लड़की बना दी भाई तू इधर इमोशनल मत हो ये निगेशन मतलब ऐसा करना पड़ता है रे ऐसा करना पड़ता है जैसे मैं बोलू कि यू आर अ बॉय समझ में आ रहा है तो निगेशन भी मतलब उसका नॉट करने का क्या हो जाएगा नॉट यू आर नॉट अ बॉय बस हो गया निगेशन सर इंग्लिश ग्रामर में वैल्यू चेंज करते थे ना यू आर नॉट अ गर्ल बॉय को गर्ल इधर वो सब नहीं चलता है इधर वो सब नहीं करने का इंग्लिश ग्रामर है क्या ग्रामर समझा क्या अब मैथ्स है मैथ्स ठीक है तो अभी देखो कोई भी स्टेटमेंट है पी उसका निगेशन क्या रहेगा भाई निगेशन पी उसके आगे नागू लगाने का नागू बोले तो ये रे ट्रू ट्रू का का निगेशन निगेशन फॉल्स फॉल्स का निगेशन, ट्रू. दो ही कंडीशन ट्रू का निगेशन फॉल्स फॉल्स का निगेशन ट्रू ओके यस यस चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. पीछे कुछ लिखा था एक कंडीशन यार भाई अपने दोस्तों को बुला ले दोस्त यार अगर किसी का माइनस करके माइनस करेगा यानी निगेशन का निगेशन करेगा तो वो खुद आ जाएगा बोले तो सर कहना क्या चाहते हो अभी समझ मैं तेरे को सौ सौ की की पत्ती पत्ती दिया और वापस से ले लिया तो बता तेरे पास क्या बचा कुछ नहीं ना जैसे थे वैसे तो वैसे P को माइनस दिया यानी निगेशन और बाद में वापस निगेशन दिया तो वो इट आ जाएगा P आ जाएगा सो so, निगेशन का निगेशन वही आ जाता है ओके okay. अभी ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा मैं बोला था मैं बोला था मैं बोला था भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बता रहा हूं ध्यान से सुन देख ये जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन निगेशन के ऊपर तो बोर्ड में आएगा तीन क्वेश्चन आने वाले हैं स्पेसिफिकली ओके उससे ज्यादा भी आ सकता है चौथा भी बट विथ ऑप्शन आएगा टू प्लस टू प्लस फोर समझ रहा है आपको एक दो मार्क का क्वेश्चन आएगा एक दो मार्क का आएगा और एक दो मार्क का आएगा <coughs> एक मिनट <coughs> एक दो मार्क का क्वेश्चन आएगा यहां पर और एक दो मार्क का आएगा और एक चार मार्क का तीन क्वेश्चन कंपलसरी आठ के एक्स्ट्रा भी आ सकता है लेकिन याद रखो जो बता रहा हूं अभी समझो पी एंड क्यू बोले भाई इसका निगेशन करो निगेशन करो मतलब क्या उसके पहले नागू चिपकाने का नागू बोले तो क्या अरे दादा ऐसा आइसा टहड टेंथ में तुम करते थे ना कॉन्ग्रुवेंट इक्वल करके ऐसे चिड़िया उड़ाते थे वो तो ये खाली इक्वल नहीं करने अभी इसका निगेशन कैसे होता है ये जो नागू होता है ना बेटा वो ब्रैकेट के अंदर घुस जाता है वो देखता नहीं किसको तुम कैसे क्लासरूम में घुस जाते इधर उधर चले जाते वैसे ये जो नागू होता है ना ये नागू ये घुस जाएगा ब्रैकेट के अंदर किसको डरता नहीं है वो अभी ये नागू गया पी के बाद नागू पी फिर नागू जाएगा क्यू के बाद लेकिन रुको दरवाजे पे कोई है एंड तो बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे बोलेगा मुझे तो जाना तो ये जबरदस्ती जाएगा और ये जो है ना इसको ऐसा एक देगा ना पलट जाएगा ये एंड का और हो जाएगा अब ये निगेशन क्यों के पास गया तो ये डी होता है निगेशन रुकता नहीं है चले जाता है चले जाता है एकदम 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 एक निगेशन रुकता नहीं है चले जाता है अच्छा सर तुम वो शाणे बन रहे उल्टा रहा तो बोले तो पी और क्यू रहा और ये निगेशन बोले जाना है जाना है मुझे जाना है वादा जो किया वो निभाना है तो कैसे निभाएगा वादा और कैसे जाएगा ये अंदर अरे बेटे ये निगेशन अंदर जाएगा निगेशन अच्छा। पी ये बोलेगा मेरे रहते तुम आगे नहीं जा सकते हाँ मेरी लाश पे कदम रख के तुम्हें आगे जाना पड़ेगा अबे बॉलीवुड का डायलॉग मत मार निगेशन अंदर जाएगा ये और को एक तपली देगा ये एंड हो जाएगा चल निकल निगेशन इधर गया दिस इज बेसिक रूल ऑफ निगेशन निगेशन कहीं भी जा सकता है खाली जो कनेक्टिव होते हैं उसको बदल देगा अच्छा सर तुम ये बोल रहे एरो को क्या करेगा बोलो एरो को। समझो सर तुमने बताया P एंड देन Q अब नागू इसका कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा नागू इसका कुछ नहीं कर सकता यस yes! क्यू सर अरे नागू डरता है अरे नागू डरता है ये एरो से डरता है इम्प्लीकेशन से डरता है जब जब एरो आएगा नागू अंदर नहीं जाएगा समझ में आ रहा है वो सफेरा है सफेरा ये नागू ये सफेरा वो बोलेगा नहीं नहीं जाएगा तो क्या होगा तो क्या होगा तो यहां पर तुम्हें एक लॉ लगाना पड़ेगा कंडीशनल लॉ क्या है वो कंडीशनल लॉ मैं अभी लॉ सब बताने वाला हूं कि कभी भी पी देन क्यू है इसको आप बदल सकते हो इफ पी देन क्यू को कैसे बदलना कैसे बदलना बेटा पी को निगेशन करना निगेशन पी एरो को और करना और क्यू को ऐसे ही लिख देना क्यू तो ऐसे ही बैठी रहेगी ये जो पी है वो निगेशन हो जाएगा और एरो का और हो जाएगा इसको कहते हैं कंडीशनल लॉ और ये ना एकदम तुरूप का पत्ता है तुम लोग जुगाड़ तो खेलते रह गए बावन पत्ते ओके? उसके अंदर मैंट वगैरह खेलते कि नहीं तुरूप का पत्ता रहता है वैसे ये जो है बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ कभी भी निगेशन वाला क्वेश्चन आया आएगा ही एक बोर्ड में फिक्स तो उस समय क्या है अगर एरो रहा तो ये निगेशन अंदर जाएगा नहीं तो आपको ये निगेशन हटाना पड़ेगा निगेशन हटाने का ये तरीका होता है ये एरो अरे एरो हटाना पड़ेगा एरो एरो हटाने के लिए पहले वाले पी को निगेशन करो क्यू कर दो देखो एर, क्या करेंगे निगेशन ये बाहर ही रखो ये पी को निगेशन करो एरो को और करो और क्यू क्या किया इसको बदल दिया एरो को हटाने दिया अब नागू खुश बाहर बैठा नागू खुश अब मैं अंदर जा सकता हूं बोले क्यों एरो हट गया ना भाई यस एरो हट गया अब ये नागू अंदर जाएगा टेण टैण टेणे टहे तो अब क्या होगा नागू नागू के पास गया निगेशन निगेशन पी ओनली पी अब ये और बोलेगा और मेरे पास नागू आएगा तो ये नागू इसके पास जाएगा टपली देगा एंड हो गया फिर नागू गया क्यू के पास नागू क्यू देखा तो किसी भी कंडीशनल लॉ को यूज करके एरो को भी हटा सकते हैं बोले सर तुम बड़े शाने बन रहे एरो को तो हटाया डबल एरो होगा तो क्या करोगे अबे वो भी करते ये सब नोट्स में तुमको दे दूंगा डीपीपी भी दूंगा टेंशन मत लेना यस ये तुम लोग को आता पटपट बता था ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं डालेंगे डबल एरो बाई कंडीशनल है तो इसके बाद एक बार सिंगल एरो करना एंड क्यू एंड क्यू देन पी करना बेटा इस तरीके से फिर वही चालू हो जाना समझ में आ रहा है अगर मुझे इसका निगेशन बोला है तो मैं ये ऐसे करूंगा पहले नागू बाहर ही रुकेगा रुक पहले एरो को हटाने दे एरो हटाने का रूल पहला पी को निगेशन एरो को हटा के और क्यों ये एंड ऐसे ही रख चलो ये एरो हटाओ क्यू का निगेशन इसको हटाओ चल भाई नागू जा अंदर घुस जा नागू अंदर गया नागू इसके पास गया नागू पी और क्यू अब ये नागू क्रॉस करा एंड को एंड बोलो अरे मैं जाने नहीं दूंगा बोलो है चल निकाल पलटी हो नागू गया अंदर इसके पास तो इस तरह से होता है भाई जरा भी मत डरना बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे छोटे रहते कुछ नहीं ये देख नागू अंदर गया नागू नागू कैंसल पी आ गया और का एंड हो गया नागु इसको पलटी देगा और ये निगेशन क्यू ये आ गया ये और नागु अंदर गया गया हो का एंड देख तो डरना नहीं कितना भी बड़ा क्वेश्चन है डबल एरो को भी ऐसे बदल सकते हैं ये याद रख निगेशन का क्वेश्चन आएगा यस एकदम निगेशन का क्वेश्चन आएगा टेंशन मत लेना तो ये हमारा हो गया एकदम एकदम ध्यान से देख अभी किसी का भी निगेशन ऐसे ले सकते हैं मैंने सब बता दिया एंड होगा तो और करने का और होगा तो एंड करने का ओके okay, एरो है तो ये कंडीशनल लॉ लगाएगा ये वाला और डबल एरो है बाई कंडीशनल तो उसको इस तरह से करेगा ठीक है तो निगेशन का एक क्वेश्चन आएगा टेंशन मत लेना करना एकदम अच्छे से करना बेटा निगेशन चल आगे देखते हैं आगे देखते हैं बेटा एकदम ध्यान से देख कोई भगेगा नहीं हम पहले ही बोला हूं यहां पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबोलिकली वैल्यू तो कैसे करेगा देख बेटा इसको नाम देगा सिक्सटी फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर यानी पी ये एंड कनेक्टिव है अपना फोर्टी सिक्स इज अ प्राइम नंबर क्यू तो अभी इसको क्या बोला एक्सप्रेस इन सिंबोलिकली तो पी क्यू बीच में क्या है एंड पी एंड क्यू हो गया अब अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी है तो कैसे करेगा पी क्या है सिक्सटी फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकलता है सिक्सटी फोर का स्क्वायर रूट एट हाँ तो ये ट्रू है P true है Q, 46 prime number. Prime number क्या होता है अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने टेबल में में आता आता है 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 और किसी के टेबल में नहीं नहीं ये ये तो तो से कटता क्यू तो जो है वो फॉल्स है क्यू फॉल्स है ट्रू एंड फॉल्स अगर ट्रू एंड फॉल्स है एक टी और एक और एंड में दोनों टी होना चाहिए ना दोनों टी नहीं है तो फॉल्स दोनों टी होते तो ट्रू तो इस तरह से हम कर सकते है। देखो वैसे ही है स्कूल इज ओपन और आ, अगर ये ट्रूथ वैल्यू पूछा रहेगा तो ये करने का इसको क्या करेगा पी मतलब अलग ब्रैकेट दैट मतलब माइनस थ्री रियल नंबर ये समझ पी है तो ये पी हो गया निगेशन पी तो कभी कभी चीजें बड़ी इजी होती है बट हम समझ जाए तो इस तरह से सिम्बोल फॉर्म यहां पर है फिर एक है कि वही है इफ इफ है इफ और देन इफ देन मतलब एरो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी यानी पी मेजर एंगल ए प्लस सी इज नाइन्टी यानी क्यू ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म अगर इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे पी पहला जो पी है यानी ये पी है ये ये क्या होगा ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी है ओके देन मेजर एंगल ए प्लस सी इज नाइन्टी ओके तो अगर अभी यहां पर कैसा है कि ये खाली ये वर्ड वाला था बाद में उसकी ट्रूथ वैल्यू देख के निकाल सकते हैं अगर ये है तो ये हो सकता है ट्रूथ टेबल बना सकते हैं इसका ओके इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा हमें चारों ऑप्शन लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये ए बी सी इज राइट एगलर बी हमको पता ही नहीं ना ट्रू है कि फॉल्स है तो हम चारों के इसमें लिखेंगे ये ऐसे हमने दिया था एग्जाम्पल के लिए तो ये सिम्बॉलिकली चलो अभी जो कनेक्ट मैंने बताया उसके ट्रूथ टेबल एक साथ इसका स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है देखो बेटा P और Q अगर दो स्टेटमेंट है तो ये होता है टी टी एफ एफ ये होता है टी एफ टी एफ निगेशन P होता है ये जो P है उसको निगेशन कर दिया यानी T को F कर दिया T को F, F को T, F को T। अगर P एंड Q करना है तो क्या सिखाया था मैंने P और Q के बीच में एंड करना है P और Q का क्या करना है एंड तो हम क्या कर देंगे P Q में दोनों में T होगा तो ही T। अदरवाइज F। P और Q करना है एक भी T रहा तो T। P देन करना है? तो यहां पर ये T देन F होगा तो ही अदरवाइज इसमें दोनों सेम होगा तो ट्रू तो तो सब yes. सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रूथ टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल ओके सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है अभी मैंने बताया निगेशन में से एक निगेशन में से एक क्वेश्चन आपको आएगा दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा बेटा ये ट्रूथ टेबल से अब ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन कैसे आएंगे ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से तीन तरीके से आ सकते हैं जैसे कि तो बताना चाहूंगा आपको कि एक तो सीधा सीधा आएगा कंस्ट्रक्ट द दूथ टेबल देखो करना वही रहता है कि ट्रूथ टेबल बनाओ क्या रहेगा ट्रूथ टेबल बनाओ समझ तो में या तो बोलेगा प्रूव द इक्विवेलेंसेस मतलब कि ये जो है ये और निगेशन पी ये दोनों इक्विवेलेंट है ये प्रूव करो तो इसको भी ट्रूथ टेबल करके ही आप करते थे याद करो आपने किया था याद करो याद करो तो आपको ट्रूथ टेबल बनाने पूछ सकता है या तो बोलेगा कि ट्रूथ टेबल का यूज करके इसको प्रूफ करो इस तरह से या तो फिर बोलेगा कि बताओ स्टेटमेंट पैटर्न कैसा है स्टेटमेंट पैटर्न मतलब वो भी ट्रूथ टेबल ही होता है लेकिन उसमें लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है अगर लास्ट में सारे के सारे टी आ रहे हैं ओके सारे के सारे टी आ रहे हैं तो हम बोलते हैं टॉटोलॉजी तो है अगर लास्ट में सारे के सारे एफ आ रहे हैं सबके सब तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रोडिक्शन है अगर लास्ट में मिक्स आ रहे समझ में आ रहा है टी, टी 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 एफ ऐसा कुछ है यानी कोई टी ए कोई एफ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही पैटर्न हो है सब के सब टी नहीं है सबके सब एफ नहीं है मिक्स है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टीनजेंसी या तो नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रोडिक्शन यस तो ये इस तरीके से बेटा यस yes. एकदम ध्यान से देखते रहो कोई भागेगा नहीं अभी ट्रूथ टेबल कैसे बनाना चाहिए तो यहाँ पर मैं एक लॉजिक का ट्रूथ टेबल आपको बना के दे रहा हूँ एकदम ध्यान से देखो तीन स्टेटमेंट है पी क्यू आर तो तुमको याद है क्या बेटा एकदम तीन स्टेटमेंट है याद है क्या क्या है तीन स्टेटमेंट यस देखो यहां पर पी एक मिनट पी क्यू आर पी क्यू आर देखना एकदम Hmm. तो यहां पर हम लेंगे p, q, r. अभी देखो यहां पर निगेशन में कौन है निगेशन में Q है निगेशन Q कर देगा ठीक है अब ब्रैकेट पकड़ो एक एक ये. ये पहला ब्रैकेट है निगेशन q और r. ये हो गया पहला ब्रैकेट अब p के साथ इसका देन है p देन निगेशन q और r. ये हो गया अब इसको आप नंबर दे सकते हैं यह नंबर वन ऐसे दे सकते नंबर वन ये वाला ना यहां से यहां तक हो गया ऐसे बनाना सीखो फिर ये देखो क्यू देन आर एकदम ध्यान से देखो क्यू देन आर फिर इसका पी के साथ है। P, then, Q, then, R. इस तरह से अब ये जो आया ये ये जो आया इसको नंबर टू देके रखो चलो ये नंबर वन ये वाला नंबर वन है ये टू इन दोनों के बीच में क्या है वन और टू के बीच में डबल एरो है ऐसे समझ सकते हो ये वन और टू का डबल एरो तो आप ऐसे टेबल बनाओगे अभी देखो यहां पर अभी कितने हैं पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट है तो मैंने सिखाया था अगर तीन स्टेटमेंट है पी क्यू आर तो टू रेस्ट टू थ्री मतलब एट ऑप्शन लेने का एट ऑप्शन में क्या करेंगे चार बार टी और चार बार एफ ऐसे करने का फिर दो बार टी दो बार एफ दो बार टी दो बार एफ एक बार देख लो खाली एक टी एक एफ टी एफ टी एफ ये आपको बहुत अच्छे से आता है साल भर तो यही किया है भूल गए क्या अभी निगेशन क्यू मतलब ये क्यू का निगेटिव क्यू का निगेटिव कैसे करेंगे ये क्या था टी टी तो एफ एफ समझ गए तो टी 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 एफ 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 टी टी उसका निगेशन फिर क्या निगेशन क्यू और आर तो ये देखो ये निगेशन क्यू और ये जो आर है इनका और करो इनका और एक भी टी तो टी एक भी टी नहीं है फॉल्स टी टी एक टी है एक भी टी नहीं है तो फॉल्स ये टी है एक भी टी दिखा तो टी फिर पी देन ये करना है P मतलब देखो ये P, देन ये वाला ये तो याद रखो ये और ये देखना है तो एरो में क्या होता है याद है क्या T then F होगा तो फॉल्स अभी ढूंढने का पहला T, दूसरा F किधर है P किधर है? ये देखो ये वाले कॉलम में पहले में और ये वाला कॉलम है इन दोनों के अंदर ढूंढने का पहले टी और बाद में एफ किधर है पहले टी एफ है नहीं ये रहा देखो ये तो यानी कि ये टी और एफ है तो ये एफ आ गया और कोई ये टी 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 नहीं है तो बाकी सब ट्रू आ जाएंगे बस ऐसा ढूंढ के करने का सबको नहीं चेक करने का सबको लिखने का नहीं पहले पहले खाली एफ ढूंढने का बाद में आ जाएगा फिर ऐसे ही करके करेंगे आगे करना और ये जो है कंस्ट्रक्ट टेबल बता रहा हूं इसके बाद आप क्या करोगे आप ये यहां बोला है क्या ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा ट्रूथ टेबल का क्या बोला है टोटोलॉजी है कॉन्ट्रोडिक्शन अब इधर के आंसर में अगर सब टी आ गया तो हम बोलेंगे टोटोलॉजी इधर के अंदर सब एफ आ गया तो कॉन्ट्रोडिक्शन है या आया, तो कॉन्टीजेंसी है या तो उसको नाइदर लिख के भी आता तो समझ गया तीन तरीके से आएगा या तो बोलेगा ट्रूथ टेबल तो बना के बताओ कि टोटोलॉजी है कॉन्ट्रोडिक्शन है या स्टेटमेंट बटन कैसा है या तो बोलेगा इक्वेलेंस प्रूव करो तो ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा देखो इक्वेलेंस इस तरह से रहेगा तीन बार डैच रहेगा तो यस यस इस तरह से रहेगा बेटा देखो तुम्हारे दो भाग रहे सोरे उनको बुलाओ कोई जाना नहीं चाहिए यस yes. अब देखो आपके लिए भी एक क्वेश्चन दिया वो भी करना ये भी करना ओके okay. इसमें भी वही करना है टोटोलॉजी कॉन्ट्रोडिक्शन है कि नहीं है तो आप देख रहे हैं आपके बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल उस तरह से टेबल बनाना पी क्यू आर है यहाँ पर देख देख बेटा पी क्यू आर है समझ रहा तीन है तीन स्टेटमेंट है टू रेस टू थ्री एट ऑप्शन आएंगे एट ऑप्शन एट का आधा चार हा फोर चार बार टी चार बार एफ समझ रहा है चार बार टी चार बार एफ तो ऐसे करके तू इसके लिए टेबल बना के करेगा लास्ट कॉलम देखेगा टोटोलॉजी क्या है सब तुमने किया हुआ है पहले से <coughs> नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वांटिफायर में नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांटिफायर में यस यस एकदम देखो कोई भगने का नहीं भाई पहले बोला था भाई देखो स्टेप एक कमिटमेंट तो कमिटमेंट होता अपने आप को धोखा मत दे दो मैं यहां तुम्हारे लिए लगातार बोल रहा हूं मैं चाहता हूं कि मैं ये कंप्लीट करूं एकदम अच्छे से सारी चीजें बता के शॉर्टकट में भागना नहीं है अपने को हाँ करना है बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाने के चार घंटे का कलेक्शन लेकिन पानी भी नहीं लेके बैठो मम्मी को बाबा चाय वगैरह देते रहे नाश्ता करते रहो एकदम टेंशन लेने का नहीं क्योंकि समझ रहे ना एकदम हो जाएगा एकदम इजी तरीके से बताऊंगा तुझे अभी अगर उसका फोन भी ना रहा हो तू भाग रहा है उसको बोल दे बाबा दिनेश सर का लेक्चर बैठा हो तू क्या कर रही है तुझे समझ में नहीं आता है उसको समझा दे रुक जरा आधा घंटा रुक बोल पौने नौ नौ बजे बाद बात कर अभी मत कर फोन एरोप्लेन मोड में डाल दे ठीक है लो लगा। बैटरी लो लगा। जल्दी बैटरी लगाओ जल्दी से यस बैटरी चेंज कर दे करते क्या होता है बहुत सारे बच्चे इसका नाम सुन के डर जाते यस बहुत सारे बच्चे यस नाम सुन के डर जाते कि अरे जातेर ओके <clears throat> तो कैसे रहेगा देखो क्वान्टीफायर है ना वो क्या होता है एक होता है ये फॉर ऑल एक होता है देर एग्जिस्ट दो क्वान्टिफायर रहते हैं और ये सबसे ईजी बट आप उसका नाम सुन के एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नाम सुन के डर जाते ऐसा नहीं करने का इसका नाम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसका नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर तो नाम सुन के डरने का नहीं बाद में देखा तो पप्पू निकलेगा समझ में आ रहा है किसी किसी के होते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे तो इसको बोलते हैं कौन सा क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर इसको फॉर ऑल या फॉर एवरी भी बोलते हैं इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर समझ में आ रहा है इस तरह से होता है इसको for sum of or one भी बोलते हैं हमेशा किसी किसी quantify किसी किसी इस इस के साथ आता है और समझो कोई सेट होगा। इस तरह से। कि exists, मतलब कोई होगा तरह कि मतलब तो एक होना चाहिए जैसे बहुत सारे लड़के होते ना मेरी जिंदगी में कोई नहीं है मेरे कोई तो एक हो जाए मतलब कोई, तो तो कोई, कोई, कोई एक भी मिल गया तो चलेगा तो वो देयर एग्जिस्टेंशियल और कॉलेज में तुमने देखा कोई कोई लड़के रहते ना भाई सब पूरे कॉलेज के सब गर्ल्स बॉय सब उसके फ्रेंड रहते हैं कोई ऐसा है ही नहीं जो उसका दुश्मन है सब फ्रेंड है सबको लेके घूमता है दोस्ती में तो वो कैसा हो गया वो यूनिवर्सल यूनिवर्सल हो हो गया हो गया फ्रेंड तो यहां पर एग्जिस्टेंशियल मतलब कोई भी एक मिल गया ना तो सेटिस्फाइड चलेगा भाई अपने को चलेगा कोई भी एक मिल गया तो सर एक से ज्यादा मिला तो भी चलेगा एक से ज्यादा मिला तो भी चलेगा लेकिन इधर फॉर ऑल मतलब सबके सब होना चाहिए सबके सब होना चाहिए ओके okay. <laughs> फोन एरोप्लेन में डालेंगे तो लेक्चर कैसे देखेंगे लिख रहा है <laughs> अच्छा ठीक है फोन एरोप्लेन में मत डाल उसको समझा दे रुक जरा सर का लेक्चर चालू ले। है उसको भी बोलना अबे उसको भी बोल फोन क्या कर रही है दिनेश सर का लेक्चर देख समझे क्या तू भी ना यार क्या कर रहा है चलो अब ये क्वांटिफायर के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं क्वांटिफायर के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं तो देख बेटा कोई एक सेट है ए डिटरमाइन द दूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कोई एक सेट यहां पर दिया है ओके बजरंग दल वाला कोई तो आ गया ओके जय श्री राम लिख रहे कैमरा बैटरी हो गई बेटा पीछे चल रहा है भी आएगा आएगा, क्या? आज नहीं समझ है सिंबल गलत लिखा है क्या एक मिनट रुक देख देख देखता हूं देखता हूं चल लाइन लगनी चाहिए यहां श्री शिवा सेलवी सेवा रुक बताऊंगा वापस से निकेश अभी बताऊंगा देखो बेटा या एक ए सेट है सेट ये सेट है ए एज सेट है 3 5 7 9 11 12 ये एक सेट है और हमें बोला इसकी ट्रूथ वैल्यू अब ये बोलता देयर एग्जिस्ट एक्स ऐसा ई एक मिरर में दिखेगा ना वो हां ई है ना मिरर में दिखना चाहिए ठीक है अच्छा उसका मैच ड्रॉप है जाने दे जाने दो उसने मैच ड्रॉप किया उसको छोड़ दे मत बोल उसको उसको बोल उसकी फ्रेंड्स को बोलने है। बोल रहा है उसका मैच ड्रॉप है तो एग्जिस्ट एक्स कोई तो एक्स होना चाहिए इसके अंदर कोई कोई तो एक होना चाहिए। कोई तो एक एक होना होना चाहिए क्या होना चाहिए भाई क्या कौन है बता किसका स्क्वायर निगेटिव आता है सर माइनस थ्री अभी किसी का भी स्क्वायर करेगा ना बेटा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और थ्री का नाइन हो जाएगा तो किसी का स्क्वायर निगेटिव आएगा ही नहीं अभी बता कि इस सेट ए के अंदर ये जो सेट ए है कोई ऐसा है क्या कि जिसका स्क्वायर निगेटिव आएगा इसके अंदर से इसके अंदर से कोई नहीं है सबका स्क्वायर पॉजिटिव है कोई है ही नहीं तो ये क्या है देर है कोई एक एक्स है ये बोलता नहीं देर एग्जिस्ट एक्स कोई तो एक है अरे किधर है कोई नहीं है कोई ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करेगा तो निगेटिव आएगा सबका स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो गया इसका ट्रुथ वैल्यू एफ हो गया बस इतना ही करना

सर तुमने तो थ्री लिया ये तो बोलता है ऐसा फॉर ऑल बोलता है इट इज सेइंग फॉर ऑल तो सबके सब सेटिस्फाई सब करना चाहिए तो ठीक है ना इधर आ थ्री लिया चल सेवन पकड़ अभी इधर एक्स की जगह पे सेवन कर सेवन स्क्वायर प्लस वही हाँ एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर करके वही फोर्टी नाइन प्लस सेवन तो कितना आ फोर्टी नाइन प्लस सेवन है सिक्स के चलेगा फोर्टी नाइन प्लस सेवन तो क्या आ जाएगा फिफ्टी सिक्स तो ये भी इवन आया ना इवेंट कैसे लास्ट में टू फोर सिक्स एट जीरो आना चाहिए तो यानी ये कुछ भी लेगा तो इवन ही आएगा तो ये ट्रू है इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू बस इतना ही पहचानना था ज्यादा कुछ नहीं यस एकदम श्रीमान लीजेंड का नाम दे रहा है मुझे यस शुभम यादव श्रीमान लीजेंड बहुत अच्छा गेमर है देखता हूं मैं कभी कभी उसके गेमिंग बहुत अच्छी गेमिंग करता है वो एंड डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे मारता है अभी भा बाप आ गया इस चैप्टर का बाप आ गया ये बाजू बाजू या हट जाओ हट जाओ ये कौन है हट जाओ यस एकदम कौन 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 है भाई? कौन है कौन है भाई अरे भाई कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रोविटिव एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे दोस्त एक क्वेश्चन फिक्स है बोला था है मैं इंपॉर्टेंट दूंगा ये इंपॉर्टेंट है यस साइन गलत है किधर साइन गलत लिया बेटा कोई तो लिख रहा साइन गलत है ठीक है चल देखते हैं यस एकदम कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझ रहा है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो आ मैं तुझे ज्यादा ना पकाते हुए शॉर्ट में बताऊ इनवर्स हमेशा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुझे बोलेगा इसका कन्वर्स कर फिर बोलेगा इसका इनवर्स कर सर ये कब तक बोलेगा अरे और एक बोलेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर सर ये तो गेम में आता है कॉन्ट्रा गेम अरे आने दे अपने मैथ्स में आया कन्वर्स तो बोलेगा तो क्या करने का ये P देन Q है ना तो इसको घुमा देने का Q पहले P बाद में आगे पीछे करने का अरे शादी होती है तो नहीं मंडप में फेरे लेते दूल्हा दुल्हन टेणे हूं टेणे हूं दूल्हा आगे दुल्हन पीछे ऐसे गोल गोल घूमते रहते बाद में पंडित बोलता है दुल्हन आगे आइए दूल्हे को पीछे लीजिए फिर दुल्हन आगे आती है समझ में आ रहा है ना तो सेम वे से जब भी पी देन क्यू है और बोला कन्वर्स करो समझो पंडित ने ऑर्डर दिया है दुल्हन को आगे लीजिए दूल्हे को पीछे कीजिए तो पी देन क्यू क्यू आगे लिया पी पीछे लिया समझ गए अरे आगे पीछे के चक्कर में मेरा माइक हो गया यार यस चलो समझ गए तुम लोगों को ये पता है क्या कि जब सात फेरे लेते हैं तब दुल्हन को आगे क्यों करते हैं तीन चार फेरे के बाद तो वो एक वहां पर सात फेरे का मतलब सात वचन होता है कि दुल्हन आगे चल रही है दूल्हा पीछे चल रहा है तो वहां दुल्हन एक वचन करती है कि अगर कभी यमराज मेरे पति के पति को लेने आएंगे तो मैं आगे हो जाऊंगी यमराज को मेरे पति के पहले मुझे लेके जाना पड़ेगा तो ये होता था पहले के जमाने में बट आज तो पत्नियां जो है पति के सीने पे खुद यमराज बन के बैठी होती हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं है कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव तो अब क्या करना है कन्वर्स मतलब क्या है कि जो हमेशा कंडीशनल का ही होगा हमेशा क्या होगा कंडीशनल का ही होगा रहा है कंडीशनल है ना एक एरो होगा तो ही ये होता है बाकी तुम बोलेंगे सर और क्यू बताओ बहुत बहुत बात आ रहे बताओ इसका बेटा क्या बताऊं कन्वर्स बताओ कुछ भी पूछेगा बताओ है इसका कन्वर्स होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा सर अबे एरो आना चाहिए एरो ऐसा कल को तू एंड करके बोलेगा सर बताओ अबे कन्वर्स हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट का करने का तो समझ गया बेटा यस देखो यहां पर एक अपना विद्यार्थी एक विद्यार्थी लिख रहा है जिसमें से आप एक हो अरे पगले मुझे भी घसीट लिया उसमें है? रुक तेरी शादी होगी ना तुझे पता चलेगा मुझे घसीट रहा है यस <laughs> yes. अब आगे देखो इनवर्स कैसे होगा तो ये जो ये जो स्टेटमेंट है उसको जैसे का तैसा लिखने का और दोनों को नागू चिपकाने का ये हो गया इनवर्स ये क्या हो गया इनवर्स कन्वर्ट मतलब आगे पीछे करने का इनवर्ट मतलब दोनों को नागू चिपकाने का जैसा वैसा आगे पीछे नहीं करने का और मतलब क्या इसका पहले किया था वैसा करने का मतलब आगे पीछे करने का और बाद में नागु चिपकाने का बस ये ट्रिक याद रख खत्म फिर तू कोई भी क्वेश्चन कर लेगा भाई यस yes. देखो यहाँ क्या क्या लिख रहे हैं यार बच्चे आपको घर में रहने नहीं मिलेगा मेरी वाइफ मेरा लेक्चर नहीं देखती वो बोरिंग लगता है उसको किसको बताओ मत क्लिप कट कर करके भेजना भी मत तू पागल चलो देखो यहां पर यह हो गया कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रोपॉजिटिव ये जिसको आ गया भाई चार मार्क में भी ये पूछा जाता है बार बार चार मार्क में पूछा जाता है बेटे चार मार्क में समझ में आ रहा है तो उसमें क्या होगा वन मार्क कन्वर्स का वन मार्क इनवर्स का और वन मार्क कॉन्ट्रोपॉजिटिव और अगर कुछ पूछा है तो उसमें वन मार्क ऐसे हो सकता है या तो सिर्फ दो ही पूछा है तो दो मार्क कन्वर्स के लिए दो मार्क इनवर्स या कंट्रोपॉजिटिव के लिए क्या पूछेगा उसके ऊपर डिपेंड है समझ में आ रहा है यहां पर गुनमय बोल रहा है बोर्ड पोस्टपोन करवाने बेटा तू ये सब चक्कर में मत पड़ यार प्लीज अब अब बहुत मुश्किल है ये महाराष्ट्र बोर्ड और गवर्नमेंट ने कसम खा के रखा है छोड़ेंगे नहीं अब यार तू क्या करेगा बाद में लास्ट मोमेंट में तू फंस जाएगा तुझे जा री एग्जाम देना पड़ेगा समझ रहा है कि नहीं गवर्नमेंट है ना वो यार समझ रहा है कि नहीं प्लीज पोस्टपोन की बातें ना करें है ना पढ़ाई करो ओके रिक्वेस्ट करके देखा विनती करके देखा ओके आंदोलन करके देखा आज मैं तुम लोग को बताता हूँ तुम लोग बहुत बोलते हैं कि हिंदुस्तानी भाव हमारा भाव बोलते हैं ना तुम लोग आज बेचारा मुसीबत में कौन गया बचाने पिछले कितने अभी 20 -21 तारी अभी तारीख दस बारह दिन से वो जेल में कौन तुम लोग कहीं गए क्या क्या कर रहे बताओ कोई नेता गया फंस गया ना वो गवर्नमेंट कैसे करी अभी उधर से निकलेगा बीस इक्कीस तो उधर नागपुर पुलिस लेके जाएगी यार फालतू में समझ रहा है कि नहीं तुमने सब करके देखा लाठी खा के देखी सब करके देखा ठीक है तो अभी जो भी हो रहा है उन्हें तो तुम लास्ट मोमेंट बोल रहा हूं तुम कर सकते हो तुम ट्राई करो छोड़ो सब आगे आओ सच्ची बात कड़वी लगेगी बट जो सच है वो सच सच है इनवर्स और मैं सच बोल रहा हूं कि मैंने साल भर पढ़ाया मैंने पूरी बैच छह महीने के अंदर नून ऐप पर पूरी फ्री बैच बारहवीं के हजारों बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे यहां पर सब सब पढ़ रहे थे हाँ मैं मानता हूं कि बहुत से बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए होना चाहिए था नहीं करिए गवर्नमेंट तो क्या करे जाके नाक रगड़े नाक, नाक रगड़े उनका रिक्वेस्ट करे हाथ पैर जुड़े वो तो नहीं सुन रहे ना ठीक है आगे चलो देखते हैं कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रो ये निकालने बोला कि एग्जांपल लेते कब ये देखो इफ इफ देन इफ देन मतलब एरो टू नंबर्स आर नॉट इक्वल ओ, -ओ देखो टू नंबर इसको हम ना एकदम ध्यान से करते तो पहले तो हम पी और क्यू लेंगे पी टू नंबर्स आर इक्वल टू नंबर्स आर इक्वल ऐसे करने का बेटा हा फिर इसको क्यों समझना क्यू देर्स आर देयर स्क्वे आर इक्वल अभी नॉट को भी ले सकते हो बट नहीं भी लिया तो चलेगा तो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा टू नंबर्स आर नॉट इक्वल टू नंबर्स आर इक्वल मतलब पी नॉट इक्वल मतलब निगेशन पी फिर इफ देन मतलब ये ऐसे देयर स्क्वायर्स आर इक्वल को क्यू किया निगेशन क्यू है ना यस यस समझ गए यस एकदम ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये हमारा क्वेश्चन है अब हमको देखो यहां चार मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है क्या बोलेगा कि कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रोपोजिटिव सब निकालो या तो कोई दो निकालो कन्वर्स और कॉन्ट्रोपोजिटिव तो कैसे करने का देख बेटा सबसे पहले कन्वर्स ध्यान दे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भूलने का नहीं कन्वर्ट मतलब क्या था सिर्फ आगे पीछे करने का ये आगे ये पीछे सर आपने तो पीछे बताया उसमें निगेशन था नहीं इसमें निगेशन है ऐसा तो चीटिंग है अरे रुक चीटिंग क्या क्वेश्चन तो बदल के आएगा ना तुझे पहले मैं क्या बोला कि बेटा तू कंसेप्ट पे ध्यान दे सीख की चीजें क्या है करना कैसे बाद में जो भी आएगा उसको वही करने का समझ में आ रहा जो भी आएगा उसको वैसे करने का देख अभी कन्वर्स मतलब मैंने क्या सिखाया शादी दुल्हन आगे दूल्हा पीछे याद आ रहा है कॉन्सेप्ट याद रखो निगेशन क्यू आगे देन निगेशन पी पीछे हो गया ये कन्वर्स हो गया अच्छा सर इनवर्स बोलो इनवर्स मतलब क्या था जो जैसा है वैसे ही रखने का और उसमें नागू चिपकाने का तो पहले से नागू था तो निगेशन निगेशन पी पी हो गया निगेशन निगेशन क्यू ओनली क्यू हो गया हो गया अच्छा तो कॉन्ट्रोपोजिटिव बोलो यस कॉन्ट्रापोजिटिव कॉन्ट्रापोजिटिव क्या आएगा देख देख कंट्रा एकदम ध्यान दे, दे भाग मत बेटा क्या करते हैं इन दोनों को आगे पीछे करने का जैसा है वैसे और बाद में नागू चिपकाने का बेटा नागू समझ गया ऐसे अब ये हो जाएगा निगेशन निगेशन ये हो गया निगेशन निगेशन, निगेशन। बाद में स्टेटमेंट को लिखने का कैसे लिखेगा देखा कन्वर्स को लिखना भी है ऐसे ये देख इधर क्या था ये देख

निगेशन होगा तो नॉट खत्म हो गया समझ में आया तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल्के में मत लो हल्के में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स आने आने वाला है। आने वाला है है हाँ घूम के आ जाएगा ऐसा कुछ अलग दे देगा तो तू उसको पी क्यू के फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख और बाद में वही तीन करना बाद में वापस वर्ड फॉर्म में लिखना बेटा एकदम, एकदम एकदम एरो कहीं गलत हुआ है क्या एरो एरो हाँ जी जो इस बार चालू है एग्जाम ए पागल चलो गाँव जी यात्रा है ओके एग्जाम जल्दी खत्म हुए लोग आईपीएल देखने को मिलेगा ओके अरे छोड़ तू एंट्रेंस की तैयारी करना फ्री में ये देख निगेशन जो बोल रहे थे ना निगेशन एक लड़का बोला था निगेशन नहीं समझ में आ रहा है ठीक है क्वेश्चन रॉन्ग लिखा मैंने निकिता बोल रही है एक मिनट हाँ क्वेश्चन लॉन्ग लिखा मैंने एक मिनट यहां नॉट नहीं लिखा इसलिए क्या टू नंबर आर इक्वल उसको पी किया नॉट को बाद में इधर देन एरो देयर स्क्वेयर्स आर इक्वल और नॉट है तो बराबर लिखा बेटा क्वेश्चन सही लिखा बेटा क्वेश्चन सही है चलो, अगला कोई जाएगा नहीं बस थोड़े से और, और थोड़ा ही है बस दस पंद्रह मिनट कोई भागना मत बेटा यस yes. यस yes. मजा आ रहा है ना हाँ देखो अपूर्वा को मजा आ रहा है यस yes. बहुत अच्छा कोई भागेंगे नहीं एकदम यस yes, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं देख लो इधर ओके हाँ स्टेटमेंट लिखने का बेटा जो पूछ रहे ना सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट भी लिखने का बेटा यस यस रिवीजन सीरीज हो जाएगा सीमा भी आ गई है बेटा चल बहुत अच्छे, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग बहुत सारे हमारे नून के रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पर आ गए बहुत अच्छे नून पर यार बच्चों को बहुत फायदा मिला फ्री सीरीज में हजारों बच्चों ने पूरा सिलेबस बिना कोचिंग के कोचिंग के हमारे साथ पूरा किया देख बेटा निगेशन बोला निगेशन तो पहले आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लेंगे लेट पी ये क्या देख एक्स प्लस एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट इज ग्रेटर देन इलेवन इसको नाम दिया क्यू ऐसे नाम देने का वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स अब इसका ना हमें निगेशन लिखने के पहले सिंबॉलिक फॉर्म करने का इट्स सिंबोलिक फॉर्म इज देख कितना इजी है ऐसे भी दो मार्क का आ सकता है ये दो मार्क का ये पहला वाला P है दूसरा वाला Q है नाम दिया हमने खुद से पी क्यू बीच में और है तो पी क्यू बीच में और है ये तो ये क्वेश्चन को अभी तक हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा समझ में आ रहा है किसी लड़की और लड़के की शादी करानी है तो तुरंत शादी नहीं हो जाती पहले लड़की को सजाना पड़ता है दुल्हन के रूप में लाते हैं बाद में मंडप में बिठाते बिठाते हैं बाद में अग्नि के सामने पंडित मंत्र पढ़ता है फेरे लेने पड़ते हैं शुभ मंगलम उसके बाद शादी होती है तो अभी तक मैंने उस लड़की को दुल्हन बनाया है समझ रहा है अब मैं प्रोसेस करूंगा निगेशन का निगेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे तो हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म इट्स निगेशन इज इट्स निगेशन इज आहा आहा तो इसके आगे नागू दे, दे देंगे पहले P और Q अब तो तुझे पता है घुस जाता है जहां जगह मिले चला जाता है तो निगेशन अंदर गया निगेशन P और का एंड हो गया चल टपली फाइनली बाद में इसका आप ये करोगे क्या एक मिनट क्या था क्वेश्चन देखो ये इसको अभी लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे देखो ना इसका एक्स प्लस एट ये ऐसे था तो ये निगेशन पी मतलब इसको ऐसे कट कर सकते हैं फिर एंड या और का एंड लिखना फिर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स है बट ये निगेशन की आंसर तो तो आ गया समझ में आ रहा है इसका जो है निगेशन ऐसे भी लिख सकता है तू बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता है इसका निगेशन या इसको ऐसे सीधा काट देगा तो भी चलेगा ये हो गया तो लास्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में करना है समझ में आ गया यस yes. अभी प्रॉपर्टीज आ रही है भाई सबसे जो डर लगता है आप लोग यस okay? yes. कोई भगेगा नहीं प्रॉपर्टी आ रही है और एक आ गया देखो राइट निगेशन ऑफ द एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको निगेशन नहीं आता मैंने पहले ही बताया निगेशन एक आने वाला है ओके okay? यहां मिस्टर ताहिर बोलते पूरी रात लेक्चर ले लो बाबा 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 ओके ओके एकदम एकदम पूरी रात बोलेगा तो पूरी रात बोर्ड एग्जाम के टाइम में कोशिश करूंगा कि रात में दो तीन बजे तक देख बेटा इसका निगेशन देना तो मैं ऐसे नागू लगा दूंगा लेकिन सर ये एरो है, तुमने तो बताया था एरो होगा कंडीशनल है नागू अंदर नहीं जाएगा हाँ तो नहीं जाएगा ना तो सर ये एरो का क्या करें हटा देना एरो अब एक कंडीशनल लॉ भूल गया क्या ये देख p देन q इसका फॉर्मूला होता है पहला p को निगेशन और q करने का तो अभी समझिए पहला p ये दूसरा q तो क्या करेगा पहला जो ये है कौन है भाई कौन है कौन है इधर ला उसको खोपचे में लो हाँ ये जो पहला है पहले नागू रख नागू बाहर ये जो पहला है पहला p उसको नागू लगाने का तो पहले ब्रैकेट को नागू लगाओ नागू पी और नागू क्यू ये वाला ब्रैकेट बड़ा रखो ठीक है ये बड़ा ब्रैकेट रखो चलो ये हो गया फिर इसको क्या करने का और देखो ये एरो को और फिर ये दूसरा एज इट देखा निगेशन करना सिखा रहा हूं बेटा ये बाहर वाला जो नागू है अभी तक अंदर गया नहीं है अब अंदर जाएगा क्योंकि ये एरो हट गया अब ये अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के पास जाएगा तो नागू नागू दोनों मिलके कैंसिल टू निगेटिव मेक्स पॉजिटिव याद रखो दोनों निगेशन कैंसिल हो गए ये आ गया पी और निगेशन क्यू फिर ये और है अब ये नागू अंदर जाएगा नागू इस और के पास गया पलटी चल निकल और का एंड कर दिया अब ये नागू अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के पास गया ओके उसके आगे जाके चिपक गया अब ये तो सॉर्ट हो गया स्टॉल हो गया ओके ये सॉल हो गया इसको कुछ मत करो ये हो चुका है अब ये नागू अंदर जाएगा निगेशन पी ये एंड को फिर उलट देगा निगेशन अंदर गया निगेशन निगेशन नॉट नॉट दो नॉट आएगा तो पॉजिटिव हो जाता है तो ये हो गया देखो इस तरह से समझ गए समझ से कर, ठीक है, चलो अभी क्या मैं कर सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा मैं, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं क्या मुझे बोल मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं क्या बोल चलो प्रॉपर्टी आ गई है बच्चों मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मैं एक साधारण सा टीचर हूं तो मैं अपने तरीके से पढ़ाना मैं साल भर पढ़ा रहा हूँ और अब भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ के तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं अगर मेरे हाथ में पावर होता तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करता तो आप मुझे अगर कुछ बोलोगे तो मैं क्या करूं बोलो बेटा लास्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द एक्सरसाइज कोई जाएगा नहीं अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अरे तू भगवान भरोसे बैठा है क्या बता भगवान तेरे भरोसे बैठा हो समझ में आ रहा है कि नहीं ये भगवान भरोसे कोई नहीं बैठेगा कोई भगवान भरोसे नहीं बैठेगा समझ में आ रहा है ओके okay. सफलता कहती है कि तुम कहते हो कि मुझे मुझे कुछ पैसे मिले तो मैं काम करूं तुम कहते हो कि मुझे कुछ पैसे मिले तो उस पैसे से मैं कुछ काम करूं पैसा कहता है अबे कुछ काम तो कर तो मैं तेरे पास हूं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं तो भाई मेहनत करो काम करो अपने आप रिजल्ट आएगा पैसा आएगा अपनी लाइफ को ऊपर उठाओ बेटा और तुम ही कर सकते हो तुम्हारा परिवार जैसे भी रहते आया है अभी तक उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुम्हारे माँ बाप ने जो अच्छा दे सकता था संस्कार दे सकते थे शिक्षा वो सब तुम्हें दिया भले अपनी छोटी सी कुटिया में दिया लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि मैं कैसे अपने पेरेंट्स को एक ऊंचाई पर लेकर जाऊं कैसे मैं अपने पेरेंट्स को वो सारे सुख दे पाऊं जो मुझे नहीं मिले और जो गरीबी झेल के उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है अब मेरी बारी है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा परसेंट लाके एकदम कम फीस में गवर्नमेंट सीट लाके एकदम ऐसी पढ़ाई करके ऐसी डिग्री लूं कि भाई लाखों के ऑफर मिले और मेरे माँ बाप की इच्छाएं पूरी कर सकूं तो ये कौन कर सकता है और तुम कर सकते अरे पैसा उड़ता है में पकड़ने वाला चाहिए तुम्हारा टैलेंट होना चाहिए तो चलो अब आखिरी जो है जिससे लगता है बच्चों को डर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट भाई प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है पीडीएफ yes, पीडीएफ दे रहा हूं बेटा एकदम PDF दूंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा इस लेक्चर के होने के बाद टेलीग्राम जो हमारा आरंभ बैच का है देखो टेलीग्राम ग्रुप चैट में लिंक है उससे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आप नए हो तो और मैं चाहूंगा कि आप हर एक बच्चा अपने दोस्तों को इस लेक्चर से जोड़े मैं चाहूंगा कि आप कम से कम दस दस बच्चों को इस लेक्चर से जोड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बहुत मेहनत करके हम पीपीटी निकाल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के फिल्टर करके मलाई दे रहे हैं हम आपको ताकि आप तीन चार घंटे जो पढ़ते हैं एक डेढ़ घंटे में हम आपको दे दें ये अभी ये लेक्चर खत्म होते होते मैं आपको लिंक दूंगा कोई भगना मत एकदम एकदम क्यों पढ़ना है वो पहले डिसाइड कर लो फिर पढ़ाई चालू करो तुम खुद पढ़ने में आग लगा दोगे यस तो सबसे पहले अलजेबरा स्टेटमेंट याद रखो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं पहले मैं हट जाता हूं स्क्रीनशॉट ले लो टेक इट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ले लिया यस स्क्रीनशॉट ले लो एकदम यस स्क्रीनशॉट अब देखो यहां पर ऑफ स्टेटमेंट एकदम ध्यान से देखना आइडम इंपॉर्टेंट लॉ ये क्या होता है किसी का उसी के साथ एंड कर दिया तो वही आ जाएगा किसी का उसी के साथ और कर दिया तो वही आ जाएगा ये एक लॉ है आइडा इम्पोर्टेंट लॉ आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा फॉरेन में हुआ है है बहुत बार कि एक बंदा है, उसने अपने साथ ही शादी कर ली थी और उसको मस्त फंक्शन रखा था गार्डन वगैरह में हॉल करके और बाद में सबको खाना पीना भी, भी खिलाया था शादी कैसे की खुद था और अपना खुद का एक तस्वीर बड़ा पुतला बनाया साथ में रख के खुद ही शुभ मंगलम सावधान कर लिया था तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं तो वही केस आई डे इम्पोर्टेंट लॉ खुद का खुद के साथ कर लेना और और या तो एंड और या तो एंड ओके यस वैष्णवी कह रही है पैसा उड़ता है हवा में पकड़ने वाला चाहिए बिल्कुल सही कहा बेटा तो अभी कॉमी लॉ कॉमी लॉ मतलब क्या होता है आगे पीछे सब चलता है आगे पीछे सब चलता है पी और क्यू को क्यू और पी कर सकते हो पी एंड क्यू को क्यू एंड P कर सकते हो कॉमिटेटिव लॉ मतलब आगे पीछे कर सकते हो लॉ समझो एकदम लॉ समझो ये लॉ समझ गए तो प्रूफ आता है कभी कभी दो मार्क में प्रूफ आ जाएगा कि प्रूफ करो बिना टेबल के बिना टेबल के प्रूफ करो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अभी आगे रक्षा बंधन लेकिन देखो एकदम ध्यान से सुनो अगर बाहर एंड है अंदर भी एंड है ब्रैकेट के तो कोई किसी के साथ जुड़ सकता है P और Q जुड़ गए और एंड और बाहर रह गया अगर यहां पर देखो मतलब ये ब्रेक किसी को किसी के साथ एंड कर सकते हैं तीनों को एक साथ करो और अगर और है बाहर भी और अंदर भी और तो कोई भी किसी के साथ हो जाएगा समझ तो में आ रहा है अगर दोनों सिंबल से, से, सेम है तो कुछ नहीं करने का कर। किसी को भी एक साथ ले सकते हैं ओके okay, यानी सबके सब तीनों लड़के हैं आई yes, जाओ मत स हमारा ओबीएस क्रैश हुआ था यस ओबीएस क्रैश हुआ था मैं आ गया हूं बेटा ये yeah, yes. आ चुका हूं यस आई एम बैक यस क्या आप देख पा रहे मुझे यस यस ये ये हमारा ओबीएस क्रैश हुआ था हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ था यानी यार बच्चे तुम मत क्रैश होना यस क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं यस जस्ट चेक ओवर यस

बेटा डिस्ट्रीब्यूटी लॉ मतलब एक रक्षाबंधन जैसे होता है जैसे मैंने बताया अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अगर एक पी है और यहाँ पर एंड है और अंदर और है दोनों अलग अलग है तो रक्षाबंधन ये पी बहना है ये दोनों भाई है ये बहना पहले क्यू को जाएगी राखी बांधने पी एंड क्यू इनका रक्षाबंधन हो गया फिर और, और फिर ये जो बहना पी है वो दूसरे भाई आर को जाएगी राखी बांधने पी और ये पी एंड आर हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देने का अगर ये बाहर और है बाहर और अंदर है तो ये पी एक बार क्यू के साथ लेने का और पी एक बार आर के साथ लेने का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या होता है रक्षाबंधन करना है समझने की कोशिश करो एसोसिएटिव में क्या था ये दोनों सेम सेम है तो ये कोई किसी के साथ ब्रैकेट ले सकते हो ओके okay, अगर दोनों अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डी डिमोर्गन लॉ हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगर निगेशन बाहर से अंदर गया तो निगेशन भी एंड का और हो जाता है दोनों के बाद निगेशन अगर और है तो एंड हो जाता है मैंने सिखा दिया है अभी एक आईडेंटिटी लॉ होता है बच्चों कि अगर P का किसी भी स्टेटमेंट का ट्रू के साथ एंड किया तो यही आंसर P आ जाता है अगर किसी स्टेटमेंट का F के साथ एंड किया तो F आता है अगर किसी P का और F के साथ और किया तो P आता है किसी स्टेटमेंट P का T के साथ और किया तो T आता है देखो और जब करोगे ना एक भी T है तो T तो P और T एक T है मतलब आंसर T आएगा P कुछ भी रहे

कैसे भी एक ट्रू आएगा तो ट्रू हो गया अभी एब्जॉर्न लॉ भी होता है P और P and Q, ये दोनों same same है। तो क्या होगा इसका एरो P P तो तो क्या करेंगे हटाएंगे पहले वाले पी को निगेशन पी एरो और क्यू ये आपको सिखाया था और बाई कंडीशनल लॉ भी मैंने आपको करके दिखाया कि पी डबल एरो कर दें तो बेटा ये सब लॉ है आओ इस लॉ के ऊपर समझ करते कुछ लोग भग या भागना मत एकदम एकदम कनेक्टेड रहो देखो इफ प्राइस इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस पी है बेटा ध्यान से देख देन द दे वेज राइजेस वेज यानी पगार बढ़ जाता है अब देख ये पी है इफ देन ये इस तरह से क्यू है करना क्या बोला है रीराइट विदाउट यूजिंग इफ देन इतना सिंपल क्वेश्चन है देख बोलता है विदाउट इफ देन लिखो स्विचिंग सर्किट डिलीटेड है बेटा यस yes. लॉ आता है यस 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 थोड़ा स्लो जाता हूँ ठीक है देखो स्विचिंग सर्किट नहीं आएगा इसके बाद वाला एक्सरसाइज एक्सरसाइज डिलीट है है ये लास्ट जिसमें हम प्रॉपर्टी यूज करके करने वाले अब ये बोला है ना कि विदाउट यूजिंग इफ देन करो मतलब ये एरो हटाना है तो कैसे करेगा कंडीशनल लॉ ये पी को निगेशन पी कर दो बेटा एरो को और कर दे और ये क्यों कर दे बेटा और इसका रीजन लिख दो कंडीशनल लॉ क्या लिखेंगे बेटा कंडीशनल लॉ इस तरह से बस खत्म ये एक स्टेप का क्वेश्चन था तो ऐसे कुछ भी पूछा तो कर सकते देखो अभी प्रॉपर्टी यूज करना विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट बिना ट्रूथ टेबल करके प्रूव करो प्रॉपर्टी बोला है प्रॉपर्टी बोला है तो प्रॉपर्टी यूज करके ट्रूथ टेबल नहीं यूज करना मतलब प्रॉपर्टी तो कैसे करेंगे देख एलएचएस ले लेंगे बेटा एकदम ध्यान से देख खत्म हो रहा है आखिरी एक क्वेश्चन और लूंगा चैप्टर खत्म है एक क्वेश्चन और सिर्फ पांच मिनट और बेटा देख बेटा p और निगेशन Q, देन एंड निगेशन q ये ये मेरा LHS है इसका आंसर ये लाना है कैसे करेंगे प्रॉपर्टी यूज कर देख प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मैं क्या करूं आ, ये एरो है एरो हटेगा नहीं कंडीशनल लॉ यूज करता बेटा बाहर के निगेशन को बाहर रखो याद करो ये देन ये है तो इसको निगेशन कर दे पहले वाले को फिर ये एरो को और करते हैं इसको ऐसे ही लिखते हैं याद आ रहा है ये क्या किया कंडीशनल लॉ तो यहां लिखने का जब भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं सारी चीजें लिखो आप कौन सा लॉ यूज करते कंडीशनल लॉ हो गया ये ये हमने कंडीशनल लॉ यूज किया फिर अभी आगे देखो क्या कर रहे हैं एकदम ध्यान से दे देखना बेटा ये निगेशन अंदर गया निगेशन अंदर गया निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया समझो पी और निगेशन क्यू ये निगेशन अंदर गया और का एंड हो गया निगेशन अंदर गया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू अब हमने क्या किया तो ये डी मॉर्गन लॉ था याद करो कि पी और क्यू है निगेशन अंदर आया तो दोनों के पास जाता है ये और को एंड करता है याद आ रहा है इसको डी मॉर्गनस लॉ बोलते हैं तो आप यहां पर लिखोगे डी मॉर्गन लॉ लेकिन आप बोलोगे सर मुझे नहीं याद आया तो मैं क्या करूं कि डी मॉर्गन लॉ लिखना है तो तू ऐसा भी लिख सकता है बेटा निगेशन ये याद आ रहा है डिसजंक्शन बोलते हैं तो इसको लिख सकता है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी लिख देगा चलेगा याद रख इसको बोलते हैं डिसजंक्शन इसको बोलते हैं कंजंक्शन एंड को कंजंक्शन और को डिसजंक्शन तो अगर तुझे याद नहीं आया कि डी डीमॉर्गन लॉ लिखना है तो बेटा तू यहां पर लिख सकता है ये निगेशन अंदर जाएगा ना तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ ये और था ना तो और का डिसजंक्शन बस अगर नहीं समझ में आया तो ये आइडिया दे रहा हूं बट अपने को पता है कि ये डी मॉर्गन लॉ होता है इसलिए ऐसे करें अब ये हो गया आया क्या ये पी और निगेशन क्यू ये आया एंड आया अच्छा ये निगेशन अंदर चाहिए तो एक स्टेप और करो ये ऐसे ही रखो ये आ चुका है ये एंड है अब ये निगेशन अंदर जाएगा निगेशन अंदर आएगा तो निगेशन पी और गया तो ये एंड का और निगेशन निगेशन, निगेशन कैंसिल क्यों हो गया तो अब ये फिर से डी मॉर्गन लॉ लिखा तो इसको तो यही चीज वापस लिख सकता है डी मॉर्गन लॉ या तो लिखेगा क्या ये ये कंजक्शन है तो निगेशन ऑफ कंजक्शन लिखा तो भी चलेगा डी मॉर्गनज लॉ लिखा तो भी चलेगा टेंशन लेने का नहीं जो तुझे समझ में आए लिखने का यहां पर जब भी प्रूफ करने होते हैं ना तब तो इस तरह से लिखना चाहिए ठीक है समझ में आ रहा है बेटा एकदम सोविन सर आ गए हमारे स्टूडियो में टेंशन मत लो बस एक लास्ट क्वेश्चन और खत्म करते एक और ओके लास्ट क्वेश्चन बस 2 मिनट खत्म करते देखो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ तो बेटा ये एलएचएस है देख ले एल एच एस ओ, -ओ. एल हाँ, एच है ये देख एल में क्या है पी और क्यू एंड पी और एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा बेटा आपकी एक्सरसाइज के ही सारे प्रैक्टिस करना एक ऐसा आ गया अब एंसर पी लाना है तो एल का एंसर आर एच पी है तो देखो कैसे करेंगे यहां पर ऐसे दे सकता है पी और क्यू एंड पी और यहाँ पे देख बेटा पी और कॉमन दिख रहा है पी और कॉमन दिख रहा है तो पी और कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा क्यू ये एंड बचा और ये निगेशन क्यू बच गया क्या किया देख मैंने ये पी और है ना दोनों में जैसे आप मैथ्स में कोई चीज कॉमन लेते हो ना पी और कॉमन ले लिया तो क्या है सर ये कौन सा लॉ तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रक्षाबंधन याद आ रहा है मैंने सिखाया था कि यार रक्षाबंधन होता है ये बहन है अंदर जाएगी दोनों भाई को राखी बांधेगी याद आ रहा है अब क्या होगा देख बेटा हमें सिर्फ आंसर में पी चाहिए तो ये पी है और क्यू का एंड निगेशन क्यू के साथ करेंगे तो एंड में देख दोनों टी होना चाहिए अगर ये टी है तो ये एफ हो जाएगा ये एफ है तो टी हो जाएगा दोनों अलग रहेंगे एंड में दोनों अलग है मतलब ये ये एफ आएगा कहां से आया ये देख ये भी यहां पर बताया था देख लास्ट क्वेश्चन है देख ये मैंने बताया था पी एंड निगेशन पी क्या होता है एफ होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ याद आ रहा है पी एंड निगेशन पी एफ होता है तो अब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं ये कैसे आया कॉम्प्लीमेंट लॉ थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेके एक बार बैठ जाना पांच मिनट में सबके नाम याद रखने की कोशिश करना अब पी और एफ पी और एफ अब ये और टेबल है अगर F है चलेगा इसका आंसर क्या आएगा और में P के है। अगर और में एक भी टी हुआ तो टी होता है बट ये तो एफ है मतलब पी के ऊपर अगर पी टी हुआ तो टी आएगा पी एफ हुआ तो एफ आएगा मतलब पी के ऊपर डिपेंड है मतलब इसका आंसर पी आएगा इसका आंसर क्या आएगा बेटा पी आएगा अभी देख फिर से, ये प्रॉपर्टी वाले टेबल चाहिए प्रॉपर्टी जो था ना हमारी अब देख एफ और टी के साथ मैंने यहां लिया था ये देख पी और एफ याद आ रहा है तो पी आएगा ये क्या था आइडेंटिटी लॉ क्या था बेटा सारी देखो उस टेबल से आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है रीजन नहीं लिखेंगे मार्क्स कट सकता है ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा याद नहीं करना है यार मैंने टेबल आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला तो आप यहां देखोगे आर आ चुका है Equal to RH's, आप लिखोगे तो इस इस तरह तरह से से है 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 भाई में ये ये करना बिल्कुल लिखने का नहीं समझेगा तो निगेशन ऑफ कंजक्शन निगेशन ऑफ डिजंक्शन लिख देना कुछ ना कुछ लिखने का देख को मैंने मॉडल आंसर पेपर दिया उसमें बताया कि आप लॉजिकली आपका अप्रोच सही है तो आपको मार्क्स मिलेगा जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट यही लिखना है सिर्फ सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप करो नीट एंड क्लीन लिखना है सम हो जाएगा ओके okay. समझ में आ रहा है यस yes. तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी वाला टेबल याद करना है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 1.5 में कुछ ही क्वेश्चन है उसको एक बार रिपीट कर लो आ जाएगा यहां पर मैंने पूरे क्वेश्चन जो है रिवाइज किए अब मेन समरी बताता हूं हूँ एकदम क्या लिख रहा है क्यू और निगेशन क्यू एप नहीं नहीं और नहीं था ना यहाँ एंड था बेटा यहाँ पे एंड था देख एंड और नहीं है बेटा जो यहां पर बोल रहा है ना और वाला इधर एंड है एंड में दोनों टी रहना चाहिए बरोबर है बरो समरी ध्यान से सुनो बच्चों, समरी मैडम लिंक भेजो डीपीपी का भेजा चैट में पिन कर दो ओके यसविन सर आ गए यहीं से पढ़ाएंगे देखो चैट में चल रहा है पिन कर दो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो समरी बेटा देख इस चैप्टर के अंदर एक तो आपको निगेशन पूछेगा जो हम कर रहे थे दूसरा आपको ट्रूथ टेबल बनाने आएगा वो ट्रूथ टेबल बना के इक्वेलेंस प्रूफ करो बोल सकता है या टोटोलॉजी कॉन्ट्रोडिक्शन बताओ है कि नहीं है या सिर्फ ट्रूथ टेबल तो करना तो वही है एक निगेशन एक ट्रूथ टेबल तीसरा कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा ये तीन क्वेश्चन अब क्वेश्चन बदल देगा करना तो वही है और कभी रेयरली दो मार्क में ऐसा पूछ सकता है ठीक है तो टेंशन लेने का हम लाइन से जाएंगे ओके एम एस टी सी टी के लेक्चर कुछ दिन के लिए रुकाएं बोर्ड की वजह से फिर हम धुए धार एमएसटीसी पढ़ाएंगे आगे चल के तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लेक्चर में आए इस लेक्चर को आपने कामयाब बनाया आपका स्ट्रेंथ ही हमारी ताकत है आप जितने ज्यादा तादाद में शामिल होंगे हमारे लेक्चर में वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है फिर डेढ़ घंटे क्या यार दस दस घंटे लाइव रह सकते हैं महा एक लवे के मैराथन में हम पांच पांच घंटे लाइव रहते थे तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है यार इस सीरीज को जितना होता है स्प्रेड करो मैं और अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा और जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा ज्यादा बच्चे अगर रहेंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप इस लेक्चर में आए अभी थोड़ी देर के बाद जो है सोविन सर का लेक्चर स्टार्ट होगा पांच मिनट के बाद हम थोड़ा सा पांच मिनट ब्रेक देते हैं आपको ओके चलो बाय एवरी टेक केयर इस सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में सभी ग्रुप में शेयर भी करना सेव भी कर लेना एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइज भी कर सकते हैं इसे। चलो बाय एवरी टेक केयर बाय बाय थैंक यू बाय बाय टाटा मिलते हैं कल वापस मैट्राइज चैप्टर के साथ बाय